Hi, my name is Mukesh. I'm the founder of CO2 Trading Institutes and Financial Ecosystems. Today I'm going to discuss with you Mohurt Special Stock. इसमें आपको 5 से 6 स्टॉक्स मिलने वाले हैं और आज ही इस स्टॉक्स को आपको लगाना है और आप इसको बाय करना पड़ेगा, तभी आप इसमें बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और चाहो तो इसको 1-2 दिन और भी एनालिसिस करके ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, राइट। चलो, आज जो हमारा स्टॉक्स का नाम है सेल, और ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये गवर्नमेंट बॉडी है, ये डिविडेंड भी पे करती है और सबसे अच्छी बात है कि इसके जो स्टिल्स हैं, स्टिल बहुत अच्छा स्टिल्स होता है, राइट। गवर्नमेंट बॉडी का ये सेल जो है बहुत ज़बरदस्त है, राइट। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट टोटल 5000 से करो। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें हम कुछ और भी एड ऑन कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, ये डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। और मिनिमम आपके इतने होने चाहिए। दूसरा, इसका जो करंट प्राइस है वो 115.75 है और इसके टारगेट नियर अबाउट 300 है, तो इसकी प्रॉफिट्स ग्रोथ अगर देखोगे तो 117% के हिसाब से 70% के हिसाब से ग्रोथ है। अच्छा, किसी भी कंपनी को ये जानना चाहते हैं ये कंपनी कितना स्ट्रांग है, क्या है इसके बैकएंड में, कितना है प्रॉफिट्स ग्रोथ, क्या कर रही है, कितने परफॉर्मेंस इसके अच्छे हैं, ये सारा कुछ आप अगर जानना चाहते हो तो इसके दो तरीके हैं। एक तो फंडामेंटली है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं, दूसरा टेक्निकल से। आज हम दोनों की तरफ से हम डिस्कस करेंगे क्या इससे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कितना ही ये टेक्निकली स्ट्रांग है। अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, 47,811 crore की नियर अबाउट है और इस करेंट प्राइस 116 है और इसके स्टॉक पी रेशियोज 12.4 है, बुक वैल्यूज 138 है और डिविडेंड, यस ये कंपनी डिविडेंड पे करती है, 1.73% के हिसाब से कंपनी डिविडेंड पे करती है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि बुक वैल्यू क्या है, पी रेशियो क्या है, डिविडेंड क्या है, आरओसी क्या है, आरओई क्या है, फेस वैल्यूज क्या है, राइट, डेट टू इक्विटी क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे करते हैं, करंट रेशियो हम कैसे निकालते हैं, पित्रोस स्कोर क्या है, ग्राम नंबर्स क्या है, ये सारा कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे जो फंडामेंटली प्लेलिस्ट है बना हुआ, वहां पे आप चले जाओ, वहां पे सारा कुछ 1 by 1 आपके वीडियोस मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आप उसका रेफरेंस ले सकते हो और समझ सकते हो, राइट। चलो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आरओसी, यस आरओसी इसके बहुत अच्छा है, 8.10% से, आरओई 6.44% के हिसाब से ये ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी फेस वैल्यूज जो दिख रहा है वो 10 दिख रहा है और इंटरेस्टिव वैल्यू 106 है और डेट टू इक्विटीज 0.64 है और डेट इसके 36,323 है और इसके सेल्स लगातार बहुत अच्छा बढ़ रहे हैं जो 1,05,017 crore है। अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ कर रहे हैं तो आप 178 है और करंट एसेट 48,436 crore है, करंट लाइबिलिटीज 53,464 crore है। अगर आप इसको और इससे डिवाइड करोगे तो आपका करंट रेशियो निकल के आ जाएगा, करंट रेशियो 0.91% है, पित्रोस आपका 7 है। ये स्कोर्स आपको ये दिखाता है कि आप इस स्टॉक्स में लंबे समय के लिए रुक सकते हो, राइट। अगर इसका ग्राम नंबर देखें 149 है और इसकी FIS की होल्डिंग 2.8% अभी दिख रहा है, इससे पहले ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हुआ है। DIS की होल्डिंग देखो तो ये नियर अबाउट ऑलमोस्ट सेम है, लास्ट क्वार्टर से क्वार्टर्स में देखो तो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। अगर मैं इसकी पब्लिक होल्डिंग देखूं 16.2% से और प्रमोटर की होल्डिंग 65.0 है और इसका करंट एसेट जो टोटल एसेट देखें 1,41,022 crore है। अगर मैं किसी भी कंपनी के बारे में ये सोचूं कि ये जो इस कंपनी का जो अभी करंट प्राइस है वो जस्टिफाई कर रहा है या फिर ओवरसोल्ड है या अंडर वैल्यूज है, ये दोनों चीजों को जानने के लिए 3 कंपोनेंट्स को हम यूज करते हैं। एक तो बुक वैल्यू होता है, दूसरा इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, तीसरा ग्राम नंबर है। बुक वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है, इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पे और ग्राम नंबर यहाँ है। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट ये अंडर वैल्यू की तरह दिख रहा है, इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से देखो तो भी ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है और ग्राम नंबर से भी देखो तो ये अंडर वैल्यू ही दिख रहा है। अगर हम इसके हिसाब से पूरा देखो तो यस ये स्टॉक अगर मैं देखूं प्राइस के हिसाब से ये अंडर वैल्यूज है और ये बहुत जबरदस्त तरीके से फंडामेंटली इतना स्ट्रांग दिख रहा है और गवर्नमेंट बॉडी है, डिविडेंड पे करती है, सारा कुछ आपको बैक एंड में सपोर्ट में डिविडेंड है, अगर कुछ होता है तो आपको डिविडेंड कंपनी पे करती है, उसका भी आप प्रॉफिट आप कमा सकते हो। अगर मैं इसकी प्राइस को बात करूं तो स्टॉक इज ट्रेडिंग फॉर 0.84 times ऑफ द बुक वैल्यूज, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग द हेल्दी डिविडेंड पे आउट 28.3% के हिसाब से। अगर कॉन्स की बात करूं, कंपनी हैज लो रिटर्न इक्विटी 11.3% लास्ट 3 years और कंटीजेंस लाइबिलिटीज इसके 42.24 crore है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, ओवरऑल देखें हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। अगर हमें
टेक्निकल की बात करूं तो ये आपको दिखेगा ये कहां पे मंथली के टाइम फ्रेम में दिख रहा है, ये अपने सपोर्ट जोन पे खड़ा है और यहां से अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर मैं इसकी वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं ये सपोर्ट्स को बढ़ाते हुए अब यहां से ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हुआ है और यहां से अपर डायरेक्शंस की तरफ पे शिफ्ट करेगा तो टारगेट भी आपको अचीव करता हुआ दिखेगा। अगर मैं इसकी डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो आपको वही दिख रहा है और यहां से जब ये स्टॉक भागना शुरू करेगा क्योंकि बैंक निफ्टीज जितने भी इंडेक्सेस आपको दिख रहे हैं सारे स्टॉक नीचे हैं, अब जैसे ही इसको पुश अप मिलता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां को देखने को मिल सकता है। इसके समरी पे चले तो इसको नियर अबाउट अभी 115.75 पे चला, टारगेट 300 है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ 170% के नियर अबाउट दिख रहा है। होल्डिंग पीरियड्स इसका नियर अबाउट 10 मंथ्स अगर रखते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इफ यू वांट टू ग्रो विद अस बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज्वाइन द CO2 TI कम्युनिटीज एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन मींस डिस्कस विद मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन कॉल मी और यू कैन मेल मी राइट। तीसरा भाई अब ये बोलूंगा ये जो पार्ट है वो आपको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर उसको, बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो भी बना रहे और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स में आपके लिए लेके आ सकूं राइट। दूसरा अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मैं आपको बोलूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।